अच्छे होंगे। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और आपको पता तो चल ही गया होगा कि ये खुशी किस वजह से है। जी बिल्कुल, आपने सही गेस किया, मेरे चैनल पे 1K सब्सक्राइबर हो चुके हैं और इस बात की मुझे जितनी ज़्यादा खुशी है उतनी ही ज़्यादा मैं आप सभी लोगों की शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना ये कभी नहीं हो पाता। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि जब बहुत अच्छी कोई चीज़ होती है ना तो आपको पिछली बातें याद आने लगती हैं। जैसे जब परसों मेरा 1K सब्सक्राइबर हुआ तो मुझे ये याद आने लगा कि ये चैनल मैंने क्यों बनाया था। तो हुआ बेसिकली ये था कि 2021 में मेरा ग्रेजुएशन, जो मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन है, वो कंप्लीट हो चुका था और मैं अपने घर आ गई थी अगस्त में। एंड सितंबर फर्स्ट वीक में ही मुझे एक जॉब मिल गई थी, लेकिन ड्यू टू सम रीज़न मैं वो जॉब नहीं कर पाई। एक्चुअली मैं ये कहानी आपको पूरा सुनाना चाहती हूँ। हुआ ये था कि मैं अपने घर आई और 2-3 दिन के अंदर ही मैंने एक जगह अप्लाई किया और मेरा इंटरव्यू हो गया और मैं सिलेक्ट हो गई। और ये पहली बार ऐसा था कि मैं कहीं जा रही थी और मेरे पापा मेरे साथ जा रहे थे और हम गए उस कॉलेज में और हमने पूरा दिन जो वहाँ पे है बिताया। और शाम में पता नहीं एक अंदर से कुछ ऐसा हुआ और ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस कि मैं रूम पे गई जहाँ पे पापा गेस्ट हाउस में थे। और जैसे ही पापा ने डोर खोला, मैंने कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं पूछा, मैंने बस ये बोला कि पापा मुझे यहाँ नहीं रहना है। और उन्होंने बोला बैग पैक करो। ये जो चीज़ है ना, शायद आपके लिए बहुत छोटी होगी लेकिन ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। उन्होंने मुझे पूछा नहीं, उन्होंने मुझे ये नहीं बोला कि मैं तुम्हारे लिए इतनी दूर आया हूँ, तुम क्यों नहीं कर रही हो। उन्होंने मुझे कुछ नहीं बोला, उसके बजाय कि उन्होंने मेरी पूरी हेल्प की, मुझे वहाँ से वो लेकर के गए, पूरे रास्ते उन्होंने ख्याल रखा कि मैं क्या खा रही हूँ, नहीं खा रही हूँ, ठीक से खा रही हूँ, नहीं खा रही हूँ। नेक्स्ट डे जब मैं अपने घर पहुँची, सेम मेरे घर पर मेरी मम्मी थी। इनिशियली उनको थोड़ा सा लगा कि ये क्यों हुआ, लेकिन उन्होंने मुझ पर जाहिर नहीं किया, कुछ बोला नहीं। घर पे मेरे भाई था, मेरी बहन थी, उन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट किया, सब ने मेरा बहुत ख्याल रखा और मेरे जो जजमेंट को, मेरे फैसले को उन्होंने बहुत अच्छे से स्वीकार किया। लेकिन क्या होता है ना कि जब हम बाहर रहने लगते हैं, काम करने लगते हैं, तो हमारी एक आदत बन जाती है कि हमें घर पर हम बहुत देर नहीं रह सकते। मेरे साथ भी सिम वही हुआ। अब कोई ज़रूरी तो नहीं कि दूसरी नौकरी भी फ़ौरन लग जाए। तो हुआ ये कि मैं घर पे रहने लगी और मुझे पता नहीं चलता था कि मैं टाइम को कैसे पार करूं, क्या करूं। तो मैंने सोचा कि ये जो यूट्यूब है इसमें कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं है और मुझे बस बोलना है, जो कि मैं काफ़ी ज़्यादा बोलती हूँ जैसा कि आप अभी देख रहे हैं, तो मैं ये काम करती हूँ। लेकिन फिर मैं डिलेमा में चली गई कि मैं करूं ना करूं, घर पे बोलूं ना बोलूं, क्या रिएक्शन रहेगा। और इनिशियली मैंने एक दो फ्रेंड से बात की, अपनी सिस्टर से बात की, मैंने उसको पूछा और हमने अपने चैनल का एक नाम सोचा जो कि बिल्कुल गपशप के डेंटिस्ट नहीं था। और हमने उसका नाम रखा क्यूबिक्स और हमने चैनल शुरू किया। चैनल तो मैंने बना लिया लेकिन अब मैं उसमें अपलोड क्या करूं, मैं उस पर बात क्या करूं। तो मैंने एक दिन सुबह सुबह मैं सोकर उठी, कुछ 6:30-7 बज रहा था और बहुत बारिश हो रही थी, तो मैं अपने घर की दूसरी साइड वाली बालकनी में गई और मैंने एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो जो है मोबाइल पे ऐसे कैप्चर करने की कोशिश ही की कि पीछे से मेरी मम्मी आ गई। और मैं उस टाइम ये बताने के लिए तैयार नहीं थी कि मैं यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहती, क्योंकि मेरे पास कोई आइडिया नहीं था, मेरे पास कोई बात नहीं थी करने के लिए, मुझे कुछ पता नहीं था। तो मैंने फटक से मोबाइल हटा लिया, मम्मी ने बोला क्या हुआ, मैंने बोला कुछ नहीं, बहुत अच्छा मौसम तो मैं वीडियो बना रही हूँ। उसके बाद वो वीडियो जैसा भी बना मुझे लगा नहीं, मुझे डालना चाहिए। एंड सच मानिए मैंने वो वीडियो डाला, मेरा फर्स्ट शॉर्ट वीडियो, और मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था, वो बारिश का था और उसमें 400 व्यूज़ आ गए। वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, उसने ना मुझे ऐसे इनकरेजमेंट दिया कि तुम ये कर सकती हो। तो फिर मैंने अपने घर पे बता दिया अपने मम्मी पापा को कि, और उनका जो रिएक्शन था, मैं जानती तो थी कि वो मुझे हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं, बट फिर भी मुझे लगा था कि वो क्वेश्चन करेंगे या कुछ पूछेंगे, बट उन्होंने मुझे पूरा का पूरा सपोर्ट किया। मेरे भाई ने मुझे अपना कैमरा दे दिया, मेरी सिस्टर मेरे हर वीडियो को कैप्चर करने लगी, मेरी मम्मी जो कभी भी नहीं हिचकिचाती ये बोलने में कि उनकी बेटी यूट्यूबर है और प्लीज़ उनकी बेटी का चैनल आप सब्सक्राइब करिए। मतलब मैं एक बार को झिझक जाती हूँ कि नहीं नहीं मैं नहीं बोलती हूँ पब्लिक प्लेस में, अच्छा नहीं लगता, पर मेरी मम्मी को जो भी मिलता है वो बहुत ही प्राउडली ये बात बोलती हैं कि वो इस्मत यूट्यूबर है और प्लीज़ उसके चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, देखिए और उसे कुछ सजेशन भी दीजिए, जो कि बहुत अच्छी बात है।
तो इस तरह जब लोग आपके साथ आने लगते हैं ना, आप कुछ काम करते हो तो आपको बहुत अच्छा लगता है कि नहीं मैं ये कर लूँगी। और दूसरा क्या होता है कि जब मैं वहाँ से निकली, मेरे जो दोस्त थे उनको जब मैंने बताया, वो भी बहुत सपोर्टिव थे। मेरे सारे कजिन्स, मतलब जो वहाँ पे मेरे इतने कजिन्स हैं घर पे, वो सारे लोग जिनको जिनको मैंने बताया, उन सारे का रिएक्शन मुझे इतनी इतना ज़्यादा अच्छा लगने लगा। किसी ने मुझे ये नहीं बोला कि अरे ये क्यों कर रही हो, क्या ज़रूरत है, क्यों करना है, किसी ने मुझे ये नहीं बोला। जब भी मैं कुछ कर रही हूँ वो सब मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरा ये कि जब मैं बाहर यहाँ आई उदयपुर, यहाँ पे इनिशियली मुझे बहुत ऐसे बताने में अच्छा नहीं लग रहा था। मैं सोच रही थी कि यार कैसे बोलूँ कि मैंने कुछ यूट्यूब्स बनाया, और सबसे बड़ी बात कि उसमें इतने लाइक्स और व्यूज़ और इतने सब्सक्राइबर भी नहीं है कि मैं बोल सकूँ उनको। पर जब कुछ दिन रहते रहते मैं उनके साथ कंफर्टेबल हो गई और मैंने उनको बताया कि मेरा यूट्यूब चैनल है, वो इतने ज़्यादा खुश थे और उन्होंने भी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। मेरे सारे दोस्तों ने, मेरे सारे कलीग्स ने, मेरे हेड्स ने, मेरे प्रोफेसर्स ने, सब ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। तो मैं बस आपको ये कहना चाहती हूँ कि आप ज़िंदगी में कुछ भी करना चाहते हैं ना, तो करिए अच्छा काम। लेकिन और लोग हैं ना आपके साथ जुड़ते जाते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो। एटलीस्ट मेरे केस में तो सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और शायद उसी वजह से मैं ये वीडियोस बना पाती हूँ, उसी वजह से आज मेरा 1K सब्सक्राइबर हो गया है और ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई बहन, मेरे सारे दोस्त, मेरे सारे कजिन्स इस बात पे बहुत ज़्यादा खुश हैं और मेरी खुशी में वो खुश हैं, मुझे और क्या चाहिए। तो मैं आप सबको फिर से एक बार अपने दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ कि प्लीज़ इसी तरह मेरा सपोर्ट बनाए रखें, मेरे चैनल को सपोर्ट करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें। और अगर आपके पास कोई भी सजेशन है तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं, मैं उसको अगर फॉलो कर सकूँगी तो ज़रूर करूँगी। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू। सॉरी, सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो बताना भूल ही गई। तो इनिशियली तो मैंने आपको बताया कि मैंने चैनल का नाम क्या रखा था, लेकिन फिर मुझे, मेरी बहन को, मम्मी पापा को ये नाम उतना अच्छा नहीं लगा। फिर हम क्या रखे तो हम बहुत सोचे, और एक आध बार तो ऐसा हुआ कि हमने कुछ नाम सोचा, हमने यूट्यूब पे लिखना चाहा तो ऑलरेडी वो नाम का चैनल था तो वो रिजेक्ट हो गया। खैर बहुत सोचते सोचते हमने अपने चैनल का नाम गपशप रख दिया। फिर हम अपने कज़िन के यहाँ गए जिसका नाम है अजलफा मुशीर। तो उसने मुझे बोला कि इस मतलब भी चैनल का नाम अच्छा है लेकिन इनकम्प्लीट है। तो मैंने उसे बोला कि बहन तू ही सजेस्ट कर दे फिर क्या करूँ। तो उसने बोला गपशप विद डेंटिस्ट। इससे क्या होगा कि जब भी आप कोई हेल्थ इशू पे बात करेंगी ना, और लोग ये जानेंगे कि आप मेडिकल फील्ड से हैं, आप डेंटिस्ट हैं, तो आपकी बात पे ज़्यादा ध्यान देंगे। और मुझे उसका ये सजेशन बहुत अच्छा लगा। तो थैंक यू अजलफा, थैंक यू शारबा, और थैंक यू सब लोग जो भी मेरे साथ हैं, मेरे सपोर्ट दे रहे हैं। थैंक यू सो मच।